शैक्षणिक संस्थान पिछले दो सालों से कोरोना महामारी के चलते कभी बंद तो कभी खुल रहे हैं। इससे लाइब्रेरी के पाठकों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, जो युवक पढ़ाई के शौकीन हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वह युवा भी लाइब्रेरी बंद होने से बेहद दुखी हैं। कोरोना महामारी के कारण लाइब्रेरी बंद होने से बच्चों का बौद्धिक विकास रुक गया है। पढ़ाई से मानसिक व सार्वभौमिक विकास होता है, मगर लाइब्रेरी बंद होने के कारण यह सब रुक गया है। वहीं जिला पुस्तकालय मंडी में पढ़ने आने वाले युवाओं का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों की जनसभाएं हो सकती है, मंदिर परिसर खुले रह सकते हैं, खेल मैदान खुल सकते हैं, तो फिर लाइब्रेरी को क्यों बंद रखा गया है। युवाओं को जिला पुस्तकालय बंद होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से आग्रह किया है कि लाइब्रेरी को खोलने बारे सही दिशा निर्देश जारी करें, ताकि युवाओं को इसकी सुविधा मिल सके। सीधा सवाल ये है कि मानते हैं कि जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो भी जरूरी है, पर क्या एजुकेशन जरूरी नहीं है? पिछले एक डेढ़ साल से यही चला हुआ है कि कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही है, कभी बंद हो रही है। आखिरकार ये चला क्या हुआ है? एक डिस्ट्रिक्ट, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे जो बच्चे ढंग से पढ़ सकते हैं, अगर ये भी बंद हो जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट का ये बुरा हाल चला हुआ है, तो इसलिए हमारा ये आग्रह है प्रशासन से भी है और CM साहब से भी है कि प्लीज़ इस मैटर पे देखें। मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मंडी में पढ़ता हूँ, लेकिन सरकार ने वो लाइब्रेरी बंद कर रखी है, तो मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द खुले ताकि बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि जब सारी चीज़ें खुल सकती है, मंदिर से लेकर खेल से लेकर सब चीज़, जहाँ पे लोग एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो लोग कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी में भी कर सकते हैं। तो मेरा ये डिमांड रहेगी सरकार से कि जल्दी से लाइब्रेरी खोले। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।